नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। राजस्थान सरकार द्वारा गांवों में महात्मा गांधी मनरेगा योजना का कार्य गांव बांदा में शनिवार को अधिशासी अभियंता पीसी सुराणा के द्वारा निरीक्षण किया गया। श्रमिकों को दिशा निर्देश में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के चलते एक दूसरे से दूरी बनाकर कार्य करना है और कार्यस्थल पर साबुन से बार बार हाथों को साफ धोकर के सैनिटाइजर से हाथ साफ करना है और एक दूसरे से बातचीत और कार्य करते समय मुंह पर मास्क लगाकर रखना होगा। इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए श्रमिकों को अब 220 रुपये प्रतिदिन और मेट और कारीगर को 235 प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। नरेगा में मजदूरी करने के लिए किसी की कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। मजदूरी और काम करने लायक श्रमिक होना चाहिए। गांव में जगह ज़्यादा है, इसके लिए रोज़ाना 100 से 150 श्रमिकों को काम दिया जाएगा। वहीं श्रमिकों द्वारा पूर्व में फंसे हुए पेमेंट की समस्या सुनाई तो उन्होंने शीघ्र समाधान करने के आश्वासन भी दिया। ग्राम पंचायत बाता सरपंच कालूराम चौधरी द्वारा प्रशिक्षण मेट कम होने से और मेटों को प्रशिक्षण देने की मांग की गई। वहीं इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता मनरेगा आरडी मीणा, हरीश शर्मा, महावीर जी मीणा, ग्राम विकास अधिकारी आशुतोष जगाका, उप सरपंच महेंद्र आसेरी, वार्ड पंच घनश्याम लोहार, विक्रमदास वैष्णव, पंचायत सहायक प्रहलाद सिंह राव मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत माता में तालाब खुदाई कार्य पर कोविड-19 के अंदर क्या सावधानियाँ होनी है, किस तरह से काम करना है, टास्क के बारे में, कार्य की व्यवस्थाओं के बारे में सब तरह से समझाया गया है और व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इनकी समस्याएं सुनी गई है और इनके समाधान करने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे। रोजगार पाने वाले लोगों को रोजगार दिए जाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उनकी कोई पेमेंट के बारे में वो भी सुनी गई है और ग्राम सचिव को इनकी कार्रवाई करने के लिए क्या